दोस्तों आज सफर शुरू होने वाला है कोम्बो यात्रा का, जो होगी कोटा शहर से मेरेटा रोड जंक्शन तक। ये सफर शुरू होगा कोटा से रात 12 बजे और खत्म होगा अगले दिन सुबह 10 बजे मेरेटा रोड जंक्शन पर, यानी पूरे 10 घंटे का सफर, जिसमें आज हमारा रूट होने वाला है कोटा से चलकर लखीरी, सवाई माधोपुर, दुर्गापुरा होते हुए जयपुर तक, और वहां से कनेक्टिंग ट्रेन बदलकर कनकपुरा, फुलेरा, मकराना होते हुए सीधा मेरेटा रोड जंक्शन तक, जिसमें हम यात्रा करेंगे लगभग 450 किलोमीटर तक की, यानी एक यात्रा में दो ट्रेनों की यात्रा। तो सफर के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि इस यात्रा में रात और दिन दोनों में होने वाला है सफर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई यात्रा में। फिलहाल अभी हमें कोटा जंक्शन पर, और आज हम यात्रा करने वाले हैं कोटा हिसार एक्सप्रेस में, जो कि खड़ी है मेरे पीछे। और फिलहाल जो है गेट खुलने का इसका समय हो रहा है, टाइम लगभग हो चुका है, और आधे घंटे बाद यहाँ से डिपार्चर है कोटा हिसार एक्सप्रेस का। ट्रेन नंबर 19813 कोटा हिसार एक्सप्रेस कोटा के प्लेटफॉर्म नंबर 1A से यहाँ से इसका डिपार्चर होता है। मैं आपको दिखाऊँ, ये जो खड़ी है ये 1A पर खड़ी है। ये जो स्टेशन है ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जस्ट टच है प्लेटफॉर्म नंबर 1A। जो डेली का डिपार्चर जो भी होगा वो 1A से होता है। तो काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न होती है कि 1A हम कहाँ ढूंढें। मैं आपको बताऊँ, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और इसके इस तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 1A। और आज हमारा जो सफ़र होने वाला है वो होने वाला है कोटा से जयपुर तक का। यहाँ से जो उसका डिपार्चर टाइम है वो है 11:45 का रात के समय, और ये जयपुर पहुँचेगी सुबह के 5 बजे। और वहीं इसकी रूट की बात करें तो कोटा से चलकर लखीरी, सवाई माधोपुर जंक्शन, दुर्गापुरा होते हुए सीधा जयपुर 4:50 पर ये पहुँचेगी। ये ट्रेन जो है अलग अलग दिन अल्टरनेट डेज में अलग अलग रूट के लिए निकाली जाती है। अगर मैं बताऊँ कि कोटा हिसार एक्सप्रेस जो है ये रविवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार को ये जयपुर, सीकर, झुंझुनू, लोहारू तरफ से निकाली जाएगी, और कोटा हिसार जो है ये सोमवार, गुरुवार, शनिवार को वाया जयपुर, सीकर, चूरू होते हुए सीधा हिसार पहुँचेगी। मतलब इसके दो रूट हैं, अल्टरनेट डेज में इसके दो रूट बनाए गए हैं। अलग अलग रूट से ये ट्रेन, डेली ट्रेन है लेकिन अलग अलग रूट से अल्टरनेट डेज में निकाली जाती है। मतलब डेस्टिनेशन तो सेम है लेकिन जो रूट्स हैं वो अल्टरनेट डेज में चेंज होते हैं। आज हमारी जो सीट है वो B1 में लोअर साइड लोअर है, 7 नंबर। तो आज हमारा सफ़र होने वाला है साइड लोअर में, 3rd AC के, और मैं आपको सफ़र करवाऊँगा जयपुर तक का, क्योंकि आगे हिसार तक जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जो ट्रेन है वो जयपुर से है, तो हमें उतरना पड़ेगा जयपुर, जो कि सुबह 5 बजे वहाँ पे उतारेगी। भाई गेट ओपन हो गए हैं ट्रेन के, तो चलिए फटाफट चलते हैं अंदर। ये हमारा B1 कोच, और देखते हैं ट्रेन का इंटीरियर कैसा है, फटाफट देखते हैं पहले। ये हमारी सीट नंबर 7 B1 की, और भाई फर्स्ट लुक में ट्रेन का जो इंटीरियर है वो काफ़ी साफ़ सुथरा है। इस तरफ ये देखो, ये साफ़ सुथरा मिरर, यहाँ पे लाइट पंखे के लिए आपको सॉकेट मिल जाएंगे, ये सामान रखने के लिए यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा, और साइड लोअर में यहाँ पे मिल जाएंगे आपको सॉकेट फ़ोन चार्जिंग के लिए। और यहाँ की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी साफ़ सुथरा जो है कोच को मेंटेन किया है। पानी भाई इसमें फिलहाल आ रहा है। टॉयलेट्स अगर हम देखें अभी तो टॉयलेट्स भी भाई अच्छे खासे साफ सुथरे, पानी यहाँ पे भी है और सॉप भी इसमें अवेलेबल है। वहीं अगर हम वेस्टर्न टॉयलेट की बात करें, सॉरी ये भी इंडियन टॉयलेट है, वो भी इंडियन टॉयलेट और ये भी इंडियन टॉयलेट, और इसमें पानी, ये एक साफ सुथरा सा मिरर, साफ सफाई अच्छी खासी मेंटेन है इस ट्रेन के अंदर। भाई अच्छी खासी भीड़ जो है यहाँ से बोर्ड करती है ट्रेन को, देखो भीड़ देखो भाई, मतलब ट्रेन चलने का टाइम है और भीड़ पूरी है यहाँ पे। कोच के अंदर जो है पूरी साफ सफाई मेंटेन है, अच्छी यहाँ पे साफ सफाई की है। दूसरे कोच में अगर मैं आपको दिखाऊं वो है टायर 2, और ये हमारा टायर 3 कोच। ये बेडरोल हमें मिल गया है, इस बेडरोल में देखते हैं क्या क्या है।
ये इसमें एक नैपकिन और दो चादर जो बहुत ही साफ सुथरी हैं, मैं आपको दिखाऊं। ये देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है दोनों की दोनों जो चादर हैं, मतलब साफ़ सफाई को लेके बहुत ध्यान रखा गया है इस ट्रेन में। साफ़ सफाई को लेके आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि साफ़ सफाई का इस ट्रेन के अंदर काफ़ी ध्यान रखा गया है। क्योंकि जो चादर हैं, जो फ्लोर है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली साफ़ सफाई को लेके या बेड रोल्स को लेके। मतलब यहाँ तक कि नैपकिन भी इस ट्रेन के अंदर अवेलेबल है। बहुत ही कम जगह, बहुत ही कम ट्रेन जो मैंने अभी तक कवर किए हैं उसमें बहुत ही कम ट्रेन में मुझे बेड रोल के अंदर नैपकिन मिला है, लेकिन इस ट्रेन के अंदर नैपकिन भी अवेलेबल है। भाई 11:58 पे कोटा के प्लेटफॉर्म नंबर 1A से डिपार्ट हो गई है कोटा हिसार एक्सप्रेस। लगभग अपने 13 मिनट लेट, क्योंकि 11:45 के यहाँ से इसका डिपार्चर टाइम था और ये 11:58 पर डिपार्ट हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 1A से। और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अराइवल हो रहा है तेजस एक्सप्रेस का। नई दिल्ली मुंबई तेजस एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जिसका अराइवल हो रहा है, और रात के लगभग 12 बज रहे हैं और कोटा जंक्शन का ये माहौल, सिर्फ इस ट्रेन के लिए भीड़ थी। बाकी जो है हम वैसे लास्ट में हैं, सारी ट्रेन जो आगे की तरफ है, और कोटा जंक्शन का लास्ट बोर्ड। टायर 2 में और टायर 3 में ये डिफरेंस होता है कि इस तरफ जो है यहाँ पे 3 बर्थ हैं, 1, 2 और 3, लेकिन टायर 2 के अंदर जो होता है ये बीच वाली जो मिडल बर्थ होती है वो नहीं होती है। और मैं आपको साफ़ सफाई की बात कर रहा था, साफ़ सफाई देखो, मतलब पूरे कोच के अंदर पूरा जो कोच है वो नीट एंड क्लीन है, कहीं भी आपको थोड़ी बहुत भी गंदगी नहीं नज़र आएगी। पूरा साफ़ सुथरा कोच, मतलब सीट भी हो, नीचे फ्लोर हो, पूरा का पूरा जो फ्लोर है पूरा नीट एंड क्लीन है। भाई लाखेरी स्टेशन से निकल चुके हैं हम, और यहाँ पर लगभग 40 मिनट की लेट आए हैं। पूरे स्टेशन पर यार ज़्यादा लोग नहीं है, बहुत ही गिने चुने लोग यहाँ पर उतरे हैं लाखेरी स्टेशन। भाई अब टाइम बहुत हो गया है, लगभग रात के 1:15 बज रहे हैं और लाखेरी स्टेशन से अभी हम निकल चुके हैं। तो अभी अब जाते हैं थोड़ा सोने, थोड़ा आराम करने, और बाकी देखते हैं कहाँ पे आँख खुलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे, जहाँ पे भी आँख खुलेगी। तो भाई हम पहुँच चुके हैं जयपुर जंक्शन पर, जो राजस्थान की राजधानी है, गुलाबी शहर जिसे कहा गया है। सुबह के 4:52 पर अपने ऑफिशियल टाइम से सिर्फ मात्र 2 मिनट लेट, पीछे जो है लगभग जब मैं बीच में उठा था लगभग 40 से 45 मिनट लेट हो गई थी, और शुरुआत ही इसने 15 मिनट लेट की थी। और मुझे डाउट था, मैं कहा शायद अब ये ट्रेन नहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि यहाँ से कनेक्टिंग ट्रेन है अब जयपुर से मेटा रोड के लिए 6 बजे। तो मुझे डाउट था आज वो पकड़ी जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन डाउट क्लियर हो गया, बिल्कुल ऑन टाइम अपने जयपुर जंक्शन पर ये ट्रेन पहुँची है कोटा हिसार एक्सप्रेस। और मेरे पीछे खड़ी है डबल डेकर एक्सप्रेस। आपने और मैंने इसमें यात्रा की है, हम सब ने लगभग इसमें यात्रा की होगी, जिस जिसने इसमें यात्रा की है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपने हमारी वीडियो इसमें नहीं देखी है तो आई बटन पर, डिस्क्रिप्शन में इसमें लिंक दे दूंगा, और आई बटन पर क्लिक करके इस ट्रेन की वीडियो ज़रूर देखें। आपने वैसे भी इस ट्रेन का जो ब्लॉग था उसमें बहुत प्यार दिया है, तो इस ट्रेन का ब्लॉग ज़रूर देखें, डबल डेकर जो कि दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली चलती है। अब बात करें आज की ट्रेन की, आज हम सफ़र करने वाले हैं
जयपुर से जोधपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में। हमारा जो सफ़र होगा वो होगा जयपुर से मेटा रोड तक, और हमारी जो ट्रेन लगाई जाएगी वो प्लेटफॉर्म पर 3 पर लगाई जाएगी। लेकिन सबसे पहले फटाफट ले लेते हैं एक चाय, क्योंकि टाइम जो हुआ है वो है 5:09, और सुबह की चाय बहुत ज़रूरी है आंखें खोलने के लिए, क्योंकि आपको पता है फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे उतरे हैं जयपुर जंक्शन पर कोटा हिसार एक्सप्रेस से, और अब हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर 3 पर लगने वाली है, और उससे पहले एक चुस्की चाय की हो जाए। तो चलिए फटाफट सबसे पहले लेते हैं चाय, जिससे कि थोड़ी सी आँख खुल जाए। भाई अपनी जो ट्रेन है लगा दी गई है जयपुर जोधपुर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। एक चाय दे देना। भाई चाय ले लिए, और चाय का टेस्ट ठीक ठीक है, फीकी सी है, 10 रुपये की दिए जयपुर जंक्शन पर। वही हमारे पीछे ट्रेन ले चुकी है हमारी जयपुर जोधपुर एक्सप्रेस। तो चलिए फटाफट चलते हैं अपनी सीट पर और फिर करते हैं सारी बातें, तब तक मैं चाय फिनिश करता हूँ। ये अपना कोच B1, जिसमें सीट हमारी 15 नंबर। तो चलिए फिलहाल चलते हैं अभी अंदर, और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन के फर्स्ट लुक। पन्नी अपनी जगह डस्टबिन की, और अगर पानी की बात करूँ वॉश मशीन में तो पानी भी बिल्कुल ओके है। ये एक साफ सुथरा मिरर, और टॉयलेट्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई यार ये टैप चला के ना छोड़े यहाँ पे, और अंधेरा है वैसे यहाँ, लेकिन साफ सुथरा है, फ्रेगनेंस अच्छी है, स्मेल नहीं है वेस्टर्न में तो, और इंडियन टॉयलेट में भी बिल्कुल साफ सुथरी, कोई स्मेल नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल वॉशिश है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, और सोप भी इसमें अवेलेबल है, पानी भी इसमें अवेलेबल है। और मुझे अगर मैं आपको सीट दिखाऊं, जो हमारी सीट है 15 नंबर, चलते हैं अंदर। ये है भाई हमारी सीट 15 नंबर, साइड लोअर। ट्रेन नंबर 22977 जयपुर से जोधपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जिसका यहाँ से चलने का टाइम है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से सुबह के 6 बजे, और देखते हैं किस टाइम यहाँ से डिपार्चर होता है हमारी ट्रेन का। इंटीरियर मैंने आपको दिखाया ट्रेन का, इंटीरियर जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा है, जो साफ़ सफाई है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, मतलब पूरी मेंटेन की है, चाहे टॉयलेट्स हों, चाहे बाहर का फ्लोर, चाहे अंदर का फ्लोर हो, सीट्स हों, मतलब सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल मेंटेन है, और हर चीज़ अवेलेबल है, जैसे कि जो डस्टबिन की जो पन्नी है वो अवेलेबल है, सोप अवेलेबल है, पानी भी, और जो टॉयलेट्स हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और डेली ट्रेन है, लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। LHB कोचेस के साथ ये ट्रेन जो है चला जाती है। भाई डिपार्चर टाइम हो गया है और सिग्नल मिल गया है प्लेटफॉर्म पर 3 से डिपार्चर हो चुका है 6:02 पर, प्लेटफॉर्म पर 3 से जयपुर जंक्शन के, जयपुर जोधपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का। देखते हैं इस पेट्रोल के अंदर क्या क्या है। इसमें ये एक टॉवल मिला है हाथ साफ करने के लिए, और दो ये नीट एंड क्लीन बिल्कुल जो है चादर, बेडरोल में 2 चादर जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। हमारी ट्रेन जो है निकल चुकी है जयपुर जंक्शन से, इसका पहले हॉल्ट स्टेशन कनकपुरा की तरफ, और जयपुर से कनकपुरा की जो दूरी है लगभग 9 किलोमीटर की है। बाहर जो है बिल्कुल अंधेरा है इस टाइम पे, और ट्रेन के रूट की अगर बात करें तो ट्रेन जयपुर से 6 बजे निकलकर पहला स्टेशन कनकपुरा होते हुए फुलेरा जंक्शन, नावा सिटी, मकराना जंक्शन, मेटा रोड जंक्शन होते हुए सीधा जोधपुर 11:10 पर पहुंचेगी। लेकिन हमारी जो यात्रा है वो होने वाली है मेटा रोड जंक्शन तक, जहाँ पे इसका अरावल टाइम होगा 9:05 का।
तो देखते हैं अपने ऑन टाइम रहती है या लेट होती है ट्रेन। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का कनकपुरा पे अराइवल। यह भाई कनकपुरा स्टेशन, जो कि जयपुर जंक्शन से 9 किलोमीटर की दूरी पे है और 6:18 पर यहाँ पे इसका अराइवल हुआ है। लगभग 5-7 मिनट लेट है ट्रेन। यहाँ से भी अच्छे खासे जो यात्री हैं वो बोर्ड करते हैं ट्रेन को। अब कनकपुरा से निकलने के बाद वो सूरज की पहली किरण के साथ लगभग सुबह के 7 बजे हम पहुंच चुके हैं फुलेरा जंक्शन पर। इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से चारों दिशाओं में लाइनें निकलती हैं। जैसे एक लाइन रिंगस होते हुए रेवाणी की तरफ, एक लाइन निकल जाती है अजमेर की तरफ और एक लाइन जिस पर हम चल रहे हैं जयपुर और जोधपुर की तरफ, इसलिए फुलेरा को जंक्शन कहा गया है। ये काफी बड़े स्टेशन में आता है इसलिए सुबह 7 बजे भी यहाँ पर अच्छी चहल पहल देखने को मिली। फुलेरा स्टेशन से निकलने के बाद हमें देखने को मिलती है सांबर लेक। इस झील की अगर हम बात करें और इसकी कुछ विशेषताओं की अगर मैं बात करूं, तो इस झील का आकार सभी मौसम में एक समान नहीं होता है बल्कि मौसम दर मौसम बदलता रहता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 190 से 230 वर्ग किलोमीटर के बीच फैला हुआ है और इस झील को 6 नदियों से पानी मिलता है, जिसमें मेड़ता, समोद, मंथा, रूपनगढ़, थारी और खंडेला जैसी नदियाँ हैं। और यही कारण है कि भारत में 9% नमक का उत्पादन सांबर झील द्वारा किया जाता है। अब उगते हुए सूरज के साथ ये सफर और भी सुहावना होने लगा है और इसी के साथ हमारा अराइवल हो रहा है नावा सिटी जंक्शन पर। भाई नावा सिटी पर हम आ गए हैं, नावा सिटी स्टेशन। ये ऐसा कुछ स्टेशन है नावा सिटी। और सनराइज देखो भाई क्या जबरदस्त हुआ है। नावा सिटी के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइवल हुआ है। स्टेशन कोड NAC नावा सिटी। यहाँ तक 90 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली है। यहाँ पे जो उसका टाइम था वो 7:17 पर था और ये लगभग यहाँ पे पहुँची है 7:45-46 पर। तो यहाँ पे इसका 2 मिनट का इसका ऑफिशियल होल्ट है नावा सिटी का। स्टेशन मैं आपको दिखा दूँ, स्टेशन कुछ ऐसा है, साफ सुथरा है और यहाँ पर अभी काम चल रहा है और ट्रेन ने दे दिया हॉर्न। ये देखो भाई यहाँ पे ना ये दिक्कत होती है थोड़ी सी चढ़ने में क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर है। ये प्लेटफॉर्म जो है थोड़ा सा नीचे है नावा सिटी का। आगे सिग्नल दे दिया है और डिपार्चर हो गया है 2 मिनट बाद नावा सिटी से। अभी कोच के अंदर जो है सब सो रहे हैं तो अंदर का तो अभी क्या ही दिखाऊँ, मतलब सब अभी आराम कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं नावा सिटी। यहाँ से डिपार्चर हो रहा है हमारी ट्रेन का। अंदर में भी था तो सब अपना मस्त सफ़र का मज़ा लेते हुए सो रहे हैं। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो भाई मतलब मौसम देखो और मैं मतलब बताऊँ क्या, आप खुद देखो कि मतलब क्या ज़बरदस्त ये सनराइज़ हुआ है आज सुबह। हल्के हल्के बादल और उसमें लालिमा सूरज की, क्या जबरदस्त। और स्टेशन के पास का माहौल देखो भाई। इस ट्रेन में आपको मतलब सीट्स को लेके भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि जब मैंने इसमें करंट में देखा था तो करंट जो था इसका रात लगभग 12 बजे के आसपास ही खुल गया था और मतलब चार्ट बनने से पहले। और मतलब उसमें भी सीट्स जो थी लगभग, मैं थर्ड एसी अगर बात करूं तो थर्ड एसी में लगभग 200 सीट जो थी वो खाली थी और स्लीपर में भी, चेयर कार में भी, सेकंड एसी में भी, थर्ड एसी में, मतलब हर कोच के अंदर
सीट इसमें खाली थी, हर जो भी इनका सिटिंग प्लान था उसमें, तो सीट की इसमें ज़्यादा खास दिक्कत नहीं होने वाली है किसी भी पैसेंजर्स को जो इसमें सफ़र करना चाहते हैं। और ये देखो भाई, अभी डिपार्चर हुआ है नावा सिटी से। डिपार्चर देखो भाई क्या ज़बरदस्त है, मतलब आसमान की तो बात ही अलग है, क्या ज़बरदस्त व्यू है। मकराना जंक्शन पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली है भाई यहाँ पे, मतलब अच्छे खासे लोग जो हैं वो बोर्ड करेंगे ट्रेन को। और वहीं दूसरे प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ मकराना जंक्शन पर, यहाँ अराइवल हो रहा है इसका शालीमार मलानी एक्सप्रेस का, जो जम्मू तवी बाड़मेर के बीच में चलती है। ये इससे पहले चलती थी जैसलमेर और जम्मू तवी के बीच में, जिसको 1 फरवरी से बदल के इसको कर दिया है बाड़मेर जम्मू तवी। इसका अराइवल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और हमारे वाली का अराइवल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। मकराना जंक्शन पर हमने लगभग 119 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और यहाँ पर जो है ये ट्रेन लगभग आधा घंटा लेट है। और वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की मैं अगर बात करूँ, जो जम्मू तवी बाड़मेर जो ट्रेन खड़ी है वो अभी भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है, क्योंकि दोनों का जो अराइवल हुआ एक साथ हुआ है। ये जम्मू तवी बाड़मेर ट्रेन जिसका प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्चर होगा, और हमारे वाली जो ट्रेन है जयपुर जोधपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस जिसका प्लेटफॉर्म नंबर 1 से डिपार्चर होगा। 2 मिनट का यहाँ पे इसका ऑफिशियल हॉल्ट है। मकराना को जंक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से प्रभातसर सिटी के लिए जो ट्रेनें निकलती हैं, डिपार्चर हो चुका है प्लेटफॉर्म से। फिलहाल ट्रेन जो है आधा घंटा लेट है, आधे घंटे की देरी से चल रही है हमारी ट्रेन। और इस रूट की अगर मैं बात करूँ, ये जो पूरा जो रूट है ये भी इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, इसमें अभी डीजल लोगों अभी जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं पूरे रूट पे। हम आ चुके हैं 40 मिनट की देरी से डेगाना जंक्शन पर। डेगाना में एकमात्र टंगस्टन की खान स्थित है, यहाँ से लिथियम के भंडार भी मिले हैं। टंगस्टन का इस्तेमाल बल्बों में फिलामेंट के रूप में किया जाता है। भाई यहाँ से डिपार्चर हो चुका है भाई ट्रेन का, लगभग 40 मिनट की देरी से चल रही है डेगाना जंक्शन से। डेगाना को जंक्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से रतनगढ़ के लिए लाइन निकल जाती है, इसलिए डेगाना को जंक्शन कहा गया है। और भाई मैं आपको बताऊँ, ये मेन लाइन पर अभी जो है हमारी ट्रेन आ गई है, और मैं आपको बताऊँ इस ट्रेन के अंदर खाने पीने के जो ऑप्शंस है ना वो बहुत कम है। एक तो ऑन बोर्ड कैटरिंग है इसके अंदर, पेंट्री कार्ड नहीं है क्योंकि छोटा रूट है तो पेंट्री कार्ड तो नहीं है इसके अंदर, ऑन बोर्ड कैटरिंग है। और ऑन बोर्ड कैटरिंग में भी जो स्टाफ है, मतलब आधे घंटे बाद एक घंटे बाद कोई आ गया चक्कर लगा गया तो ठीक है, चाय तो इजली आपको मिल जाएगी यहाँ पे, तो खाने पीने की थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो जब भी आप इस ट्रेन में सफ़र करें तो मेरी एडवाइज़री है कि भाई अपने खाने पीने का इंतज़ाम जयपुर से या जहाँ से भी आप इस ट्रेन को बोर्ड कर रहे हैं अपने खाने पीने का इंतज़ाम करके चलें, क्योंकि थोड़ी सी खाने को लेकर बस दिक्कत होने वाली है, अदरवाइज़ साफ़ सफ़ाई
पूरी मेंटेन है हर चीज़ को लेके। जब ट्रेन चल रही थी तो ट्रेन चलते हुए भी जो है स्टाफ जो है मतलब पूरा मेंटेन कर रखा है साफ सफाई को। फ्लोर क्लीनिंग के लिए भी आए हैं, टॉयलेट्स क्लीनिंग के लिए भी आए हैं, मतलब साफ सफाई को लेके इसमें कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। अच्छी ट्रेन है क्लीननेस को लेके। स्टेशन कोड MTD मेटा रोड जंक्शन। और हमारी जो ट्रेन है यहाँ से निकल चुकी है जयपुर जोधपुर, जो ट्रेन है इंटरसिटी एक्सप्रेस डिपार्चर हो चुका है मेटा रोड जंक्शन से। और यहाँ पर जो ट्रेन है इसका जो टाइम था 9:05 का था, लेकिन यहाँ जो इसका अराइवल हुआ है वो हुआ है 9:45 पर। और ये लगभग 40 मिनट की देरी से यहाँ पर इसका अराइवल हुआ है मेटा रोड जंक्शन पर। और यहाँ से 2 मिनट का ऑफिशियल होल्ड के बाद डिपार्चर लेती हुई, ये मैं आपको दिखाऊं डिपार्चर। ट्रेन की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेन के अंदर जो है साफ सफाई बहुत अच्छी थी, और जो मतलब ट्रेन के चलते हुए भी है ना तो फ्लोर बिल्कुल साफ किया जा रहा था, मतलब मेंटेनेंस बहुत अच्छी थी। बस थोड़ी सी जो दिक्कत है यहाँ पे इसमें वो खाने पीने को लेके है। खाने पीने के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, ऑन बोर्ड कैटरिंग है, और उसमें भी मतलब जो आते हैं देने के लिए उनका बहुत ही कम, मतलब आधे पौन घंटे बाद कोई आगे चक्कर लगाने, चाय आपको आसानी से मिल जाएगी। तो कैसे लगी आपको ये जर्नी जयपुर से मेटा रोड जंक्शन तक, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये डिपार्चर जयपुर जोधपुर हमारी ट्रेन का, जिसका यहाँ से डिपार्चर हो चुका है, और ये दूसरी तरफ खड़ी है जोधपुर वाराणसी। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी यात्रा में, तब तक के लिए जय हिंद।